हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर 2023 का। और दोस्तों सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 और 23 का, यानी दोस्तों इस बार आपको सिलेबस में क्या पढ़ने हैं। और दोस्तों आपके मॉडल पेपर यानी कि आपके पेपर में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, यानी दोस्तों इस बार जो है आपको 20 अंक का जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सिलेबस और मॉडल पेपर दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने बच्चे आ चुके हैं हाई स्कूल वाले, इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे प्यारे नए बच्चे क्लास से जुड़े हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी के लिए 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर के आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ से आपको मिलता रहेगा, PDF भी आपको वहाँ पर शेयर होता रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, विज्ञान जो हो आपका एक ही पेपर होगा, 70 अंक का पेपर होगा दोस्तों, एक पेपर होगा। समय दोस्तों बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटे में आपको पेपर को सरल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो 70 अंक का पेपर है दोस्तों, 70 अंक का लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक का आपको प्रयोगात्मक होगा, यानी जो आपके स्कूल में होता है जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट कार्य करना होता है। और न्यूनतम जो उत्तीर्णांक यानी 270 में से आपको 23 अंक लाना होगा पास होने के लिए और 33 में से आपको 10 अंक लाना होगा पास होने के लिए, क्लियर ये बात। चलिए दोस्तों अगर बात कर लेते हैं मॉडल पेपर की, तो दोस्तों आपको जो पेपर जो मिलेगा वो 70 अंक का मिलेगा, जिसमें कि आपको 20 अंक का क्या मिलेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा और 50 अंक का क्वेश्चन आपको क्या होगा, लिखित होगा, लिखित मिलेगा। और 50 अंक वाले में लिखित में क्या क्या रहेगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा, लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इतना आपको सरल करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका रहा सिलेबस, सॉरी मॉडल पेपर, इस तरीके से आपका पेपर बनेगा। जैसे ही दोस्तों यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर आ जाता है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस की, सिलेबस में दोस्तों इस बार भी आपको 70% ही सिलेबस आपको पढ़नी है, 30% सिलेबस इस बार भी कम किया गया, क्योंकि दोस्तों आपका प्रिपेयर जो होगा वो आपके मार्च में ही कराए जाएंगे, इसलिए आपका 70% ही सिलेबस को आपको पढ़ना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना, जैसे कि रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार 20 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, जैव जगत से 20 अंक का क्वेश्चन, अपवर्तन से आपको 12 अंक के, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से 13 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन से जो है 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपके हो जाते हैं 70 अंक, 30 अंक प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट से, टोटल हो जाते हैं आपके 100 अंक, क्लियर है बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे कि इकाई फर्स्ट जो है आपके रासायनिक पदार्थ प्रकृति व्यवहार 20 अंक के क्वेश्चन में आपके रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या पढ़नी है, आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकाश संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन, ये सब अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको पढ़नी है। अम्ल क्षार लवण आपको पढ़ना है, जो पढ़ना है आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पढ़ाने के बाद इसका PDF जो है आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। इसके दोस्तों धातु और अधातु में देख सकते हैं, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म के आधारभूत विधियां, संचारण तथा उसका निवारण ये पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक में दोस्तों आपके कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी अबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सजातीय श्रेणी, ये सब आपको यहाँ पर पढ़नी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। साबुन PC में पढ़ना है, अपमार्जक भी इसी में पढ़ना है। तत्वों का आवर्त सारणी में दोस्तों वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडेलेव की आवर्त सारणी आपको पढ़नी, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी और गुणों में उन्नयन संयोजकता आपको पढ़नी, परमाणु क्रमांक, धातुक और अधात्विक गुणधर्म आपको पढ़नी है। इस तरीके दोस्तों आपका जो है इकाई फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इकाई सेकंड की बात कर लेते हैं दोस्तों, जय जगत जो कि आपके बायो से रहेगा क्वेश्चन, 20 अंक के क्वेश्चन जय जगत में, तो अब बायो शुरू हो जाता है। इसमें दोस्तों अगर बात करें तो जय प्रक्रम आपको पढ़नी है, जिसमें कि दोस्तों आपको सजीव पौधों तथा जंतुओं के में पोषण, शोषण, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़नी है। प्रजनन में जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन जैसे कि लैंगिक अलैंगिक क्या होता है, प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएं, परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन और एवं आपके एड्स और HIV के बारे में आपको पढ़नी है, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़नी है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास में आपको आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षण एवं वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, ये विकास की मूलभूत संकल्पना, ये सब आपको यहाँ पर पढ़नी है। इकाई तीन की दोस्तों बात कर लेते हैं, इकाई तीन की दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये है आपके प्राकृतिक घटनाएँ से, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएँ में जिसमें कि वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का बनना, यानी दोस्तों यहाँ से आपके हो जाते हैं भौतिक विज्ञान शुरू और वक्रता के अंदर मुख्य अक्ष परिभाषा, ये सब आपको पढ़नी है। ऑलरेडी इसका वीडियो बन चुका है, हम प्लेलिस्ट इसका शेयर कर देंगे। अपवर्तन की बात कर लेते हैं दोस्तों, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के लेंस नियम, ये सब आपको यहाँ पर पढ़नी है। इकाई 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों, विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव में विद्युत धारा विभवांतर तथा वैद्युत धारा ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारण जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, और इसी में दोस्तों आपको विद्युत शक्ति, ऊष्मीय प्रभाव सब कुछ इसी में पढ़ना है। पी वी आई तथा आर में अंतर संबंध क्या होता है, ये सब आपको पढ़नी है। 13 अंक में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या पढ़ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद 5 आ जाता है प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण समस्याएं, विशेष उत्पादन निवारण, ये सब आपको पढ़नी है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस तरीके से करता है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़नी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके 30 अंक प्रयोगात्मक आ जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ 4 मासिक परीक्षाएं और किस किस समय में क्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, MCQ ही पूछा गया। बाकी प्रोजेक्ट के लिए ये तैयार करना होगा, ये आप स्कूल से ही बता दिया जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 30% सिलेबस आपका घटा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों आपको पढ़नी है। और मॉडल पेपर में आपको पता चल चुका है कि 20 अंक का बहुविकल्प, 50 अंक आपको लिखित पेपर पूछा जाएगा, 30 अंक आपका प्रयोगात्मक स्कूल वाला हो जाएगा। टोटल बात करते हैं तो 100 अंक यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका सिलेबस पूरी तरीके से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आने वाले समय में कमेंट करिएगा किस सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर या सिलेबस चाहिए, कंप्लीट बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान या किसका, इंग्लिश का लेकर के आ सके। इसके पहले दोस्तों मैथ और हिंदी का हमने कंप्लीट कर दिया, बायो साइंस का आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।